नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा काफी अहम है। ट्रंप के इस दो दिवसीय दौरे में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डील्स को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। बता दें कि ट्रंप ने पहले ही भारत आने से पहले ही ट्रेड डील को करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी भारत को ट्रंप के दौरे से कई उम्मीदें थी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए एक बैठक की। इस बैठक के बाद मोदी और ट्रंप ने साझा बयान भी जारी किया है। बता दें कि इस बैठक में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश के प्रमुख क्षेत्रों को लेकर बातचीत की गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस बैठक से आखिरकार क्या निकलकर सामने आया है, साथ ही भारत और अमेरिका के बीच किन डील्स पर मोहर लगी है। अगर रक्षा समझौते की बात करें तो भारत ने अमेरिका से $3 अरब की डिफेंस डील की है, जिसके संकेत पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मोटेरा स्टेडियम के उद्घाटन के समय ही दे दिए थे। बता दें कि समझौते में भारत ने अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को $2.6 अरब में खरीदा है, तो वहीं दूसरी डील में 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को 80 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ये हेलीकॉप्टर समुद्रों में पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें तबाह करने में सक्षम है। इसके साथ ही अमेरिका भारत के मानव मिशन को लॉन्च करने में भी भारत की मदद करेगा। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार पहले ही 40% बढ़ चुका है। भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जिसके मद्देनजर भारत की तरक्की दुनिया के लिए काफी फायदेमंद है। अगर ट्रेड डील की बात करें तो ट्रंप ने बैठक के बाद इशारों में कह दिया कि भारत के साथ इस मुद्दे पर बात करना आसान नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को एक टफ नेगोशिएटर बताते हुए कहा कि हम भारत के साथ एक शानदार ट्रेड समझौते पर बात शुरू कर चुके हैं, जो दोनों देशों में निवेश करने को काफी आसान बना देगा। हम अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेड समझौता करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम पीएम मोदी के साथ दोनों देशों को समान तौर पर फायदा पहुंचाने वाला समझौता करेंगे। गौरतलब है कि ट्रंप के भारत दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पहले ही भारत ने महाशक्ति देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। इसी क्रम में ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम मोदी और मैं अपने नागरिकों को कट्टर इस्लामी आतंकवाद से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका पाकिस्तान की धरती से चल रहे आतंकवाद को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। अब इतना तो जाहिर है कि ट्रंप के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के लिए खतरनाक हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।